अभी तक आपने देखा हमने असम टूर की शुरुआत कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी से करी, शाम के समय रिवर क्रूज किया और लोकल फूड खूब इंजॉय किया। गुवाहाटी से 70 किलोमीटर का सफर करके हम चांडुबी लेक गए। वहां पर राबर ट्राइब का फूड और कल्चरल एक्टिविटी, व्हाट अ एंजॉयबल एक्सपीरियंस। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम गुवाहाटी से चले और सुवालकुची में जाकर हमने सिल्क हैंडलूम देखा। वहां से हम हाजो गए और लेट नाइट हम बारपेटा रोड पहुंचे जहां पर हमने नाइट स्टे किया। इस एपिसोड में आप देखेंगे मानस नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ और उसके बाद हम सौठेबाड़ी भी गए जहां पर बेल मेटल का ह्यूज स्केल में काम होता है, यूटेंसिल्स बनते हैं और फाइनली ट्रेडिशनल फूड एट गुवाहाटी। हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं गुवाहाटी से 110 किलोमीटर दूर बारपेटा रोड में हूं। मानस नेशनल पार्क यहां से 20 किलोमीटर दूर है। रात में हम यहां पर पहुंचे। सामने देखिए बारपेटा रोड पे टूरिस्ट लॉज है टूरिज्म का। एक्चुअली में ये टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो इनके पास 5 रूम्स भी हैं। तो अगर आप यहां पे रहना चाहते हैं तो आपको प्री बुक कराना होगा। यहां पर इनके पास 2 किस्म के रूम टैरिफ्स हैं, 1000 रुपीज पर डे और 600 रुपीज पर डे। कल रात में जब हम यहां पहुंचे तो हमने नोटिस किया मच्छर थे, तो इन्होंने हमें मॉस्किटो नेट लगा दिया, तो हम बहुत कंफर्टेबली सो गए। अब ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ते में पूड़ी और आलू पपीता की सब्जी, डिसेंट टेस्ट है। अब बस अब चाय पियेंगे और उसके बाद हम यहां से निकलेंगे। वैसे आलू और पपीता कॉम्बिनेशन अच्छा है एज ए सब्जी। हम मानस नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। अगर आप सुबह यहां पर 6 बजे आएंगे तो आप 1000 रुपीज देकर एलिफेंट सफारी कर सकते हैं या जीप सफारी कर सकते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं, 2000 रुपीज का चार्ज देकर। गाइड का चार्ज पूरे दिन के लिए होता है 1000 रुपीज, हम 2.5 से 3 घंटा के लिए 600 रुपीज चार्ज दे रहे हैं, गनमैन का 300 रुपीज चार्ज। पूरा मानस नेशनल पार्क 2837 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से कोर एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर आप पर्सनल व्हीकल में जाना चाहते हैं तो आप 21 किलोमीटर स्ट्रेट जा सकते हैं भूटान बॉर्डर तक। मानस नेशनल पार्क भूटान में भी है, वहां पर रॉयल मानस के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा घूमना चाहते हैं तो आपको जीप में ही जाना चाहिए फॉर बेटर एनिमल विजिबिलिटी। मानस आने के लिए बेस्ट टाइम है दिसंबर से मार्च तक। दिसंबर में जो बड़े बड़े ग्रासलैंड 12 फीट तक ग्रो हो जाते हैं उसको बर्न कर दिया जाता है। इस समय भी आप सामने देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी ग्रास बर्न की जा रही है, फिर फ्रेश ग्रास ग्रो होती है जो डियर के लिए अच्छा रहता है। हालांकि एलिफेंट पसंद करता है लंबा ग्रास, लेकिन डियर सॉफ्ट ग्रास पसंद करता है। वाओ, ये मूवमेंट के लिए हम मानस नेशनल पार्क आए। आप देखिए सामने एलिफेंट कितना खूबसूरत। इस समय ये हमारे से हार्डली 70-80 मीटर्स डिस्टेंस पर है। आप इसकी टस्क देखिए, मेल एलिफेंट, सो ब्यूटीफुल। इस समय हम वॉच टॉवर पे खड़े होके ये खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। हमें गाइड ने बताया कि सुबह आप 6 बजे 7 बजे आके सफारी में देखेंगे तो ऐसे आपको 20-30 एलिफेंट ग्रुप में दिखाई देंगे। ये पूरे कोर एरिया में अप्रोक्सीमेटली 1300 एलिफेंट्स हैं। एशियाटिक वाटर बफेलो, ये मेल का हॉर्न है। ओरिजिनली ऐसा होता है। ह्यूज साइज? ह्यूज साइज, यस। अब
धीरे धीरे हम रोड पे चल रहे हैं। कम से कम 3-4 हाथी पास ही में है, बिल्कुल शांत, आराम आराम से। एक बच्चा है और दो बड़े, सेफ डिस्टेंस। सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। অলপ আহিবা দিবি খেলি। अभी अभी आपने देखा हाथी ने हमारी जिप्सी को चेस करने की कोशिश करी और हम थोड़ा सा पीछे आए और सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया ऐसे बायनोकुलर लगा लगा के, हाथी क्या कर रहे हैं बार बार देख रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं। अब अगर हम आगे जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए आप एकदम साथ में एक बड़ा हाथी, बच्चा और एक तरफ यहाँ पे, तो हम वेट करना होगा। अब वो आधा घंटा 2 घंटा कितना लगेगा पता नहीं। ग्रेट। अभी अभी हमें गाइड ने बताया मानस नेशनल पार्क में एशियाटिक वाटर बफलो 500 से ज्यादा है। आप देखिए वो सामने, वहां पर जिप्सी का रूट नहीं है लेकिन मैं बायनोकुलर से देखता हूं। सो बिग, हॉर्न भी बड़ा है और बफलो साइज भी बड़ा है। आज हमने 6 घंटे ऑलरेडी स्पेंड कर लिए हैं, सुबह से अब दोपहर हो चुकी है। अब हमको डिसाइड करना है क्या हम रुक जाएं और बाकी असम टूर को फॉरवर्ड कर दें या आगे बढ़े। तो बड़े उदास मन से, काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन हम लोग डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे की असम जर्नी करेंगे। इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं रिटर्न जाने को। फॉरेस्ट के बीचों बीच हमारी जिप्सी का टायर पंचर हो गया। थैंक गॉड गनमैन हमारे साथ है, सो वी आर सेफ। सोचो चारों तरफ जंगल और बीच में जिप्सी का टायर पंचर। सुबह के चले घूमते घूमते जंगल में, आज का दिन हमारा सक्सेसफुल। दोपहर में वापस आए हैं। भाई साहब थैंक यू वेरी मच, आप अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप। वेलकम सर। सो 2 दिन का यार ज़्यादा समय लेके आते तो मैं और भी एनिमल दिखा सकता, जैसे कि टर्टल्स, टर्टल यहाँ पे बहुत एनिमल्स है और भी। बिल्कुल, तो वो चांसेस ज़्यादा रहेगा। हाँ। समय लेके आएंगे तो। हिस्पिड हेयर, यस, गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है मानस नेशनल पार्क। समय चाहिए, समय चाहिए दोस्त। थैंक यू वेरी मच, वापस बोल रहा हूँ, कीप इट अप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। माना से चले हुए हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। रास्ते में चलते चलते हमने ये रैंडम रेस्टोरेंट देखा, बहुत ही भूख लगी है, खाना खाने जा रहे हैं। अपने लिए मैंने 2 चीज लिया, चिकन करी और खार। मैंने जो यहाँ आकर देखा इन्होंने क्या किया, कढ़ाई में कोई ऑयल नहीं डाला, उसके ऊपर पत्ता गोभी डाला, हरी मिर्च काट के डाला और इनके पास एक पाउडर सा था उसमें थोड़ा पानी ऐड किया, मिक्स किया, उसका नाम है खार, वो इसमें डाला। अब मैंने समझा कि डाइजेशन के लिए ये बड़ी काम की चीज़ होती है। चिकन लेने से पहले मैं खार टेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब मैंने पूछा था कि क्वांटिटी इतनी कम क्यों दे रहे हो, तो इन्होंने कहा पहली बार खा रहे हो तो कम क्वांटिटी लो। ना खट्टा ना मीठा, ना फीका ना कड़वा, तो ये इस तरह का टेस्ट तो नहीं है। गोभी और आलू काफ़ी सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, डिसेंट टेस्ट। राइस यहाँ के खाने के अंदर इन्फ्लुएंस करता है पूरे टेस्ट को, क्योंकि हर चीज़ में हम राइस मिक्स करके खाते हैं। अब यहाँ पर राइस एवरेज है। चिकन भी सॉफ्ट है,
करी देख के लग रहा है मेरे को कि टेस्ट इसका ठीक होगा। चिकन अच्छा बनाया, नो डाउट। ग्रेवी भी शानदार है और चिकन को काफ़ी अच्छे ढंग से कुक किया है, तो वो जो थोड़ी राइस की कमी थी ना वो यहाँ पे पूरी हो गई। आई विश कि मैं इस चिकन की प्रिपरेशन देख सकता, क्योंकि इसके अंदर जो गरम मसाला है वो गेम चेंजर है। माइल्ड जिंजर, माइल्ड गार्लिक एडिंग टू द फ्लेवर, और चिकन मैंने एक पीस अभी खा के देखा है, अच्छा कुक हुआ है। ये जगह जहां पर अभी हमने लंच किया असम की कल्चरल और एजुकेशनल हब के नाम से जानी जाती है। इस टूर में लैक ऑफ प्री रिसर्च की वजह से हमने पाठशाला टाउन विजिट मिस कर दिया। असम और नॉर्थ ईस्ट में जब आप मोबाइल थिएटर देखेंगे तो आप जानेंगे इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत पाठशाला से हुई थी। इस टाउन में 35 से 40 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। आई रियली विश कि हम पाठशाला टाउन विजिट ज़रूर करते, लेकिन बेस्ट एफर्ट बेसिस पर भी कभी ना कभी प्लानिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मिस हो जाता है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप मिस मत करिएगा। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए सौठेबाड़ी पहुंचे हुए। मैंने यहाँ पर कुछ शॉपकीपर से बात किया, उसके बाद मैं यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में बात करने गया। अब हम ऐसे समय आए हैं जब यूनिट्स बंद हो गई हैं, 4 बजे यूनिट्स शट डाउन हो जाती हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप रॉ मटेरियल लेवल से फाइनल प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है, फिनिश्ड यूटेंसिल कैसे तैयार होता है, तो आप उसके लिए कल आइए। ऐसा करने से मुझको अपना आगे का असम टूर में एक दिन कम करना होगा, यानी कोई डेस्टिनेशन या तो कैंसिल करना होगा या टाइम कम करना पड़ेगा, बिकॉज इस यूटेंसिल में मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत इंटरेस्ट है, बड़ा काम का यूटेंसिल है, वो हम कल बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बेल मेटल से तैयार किया गया, ऐसे साउंड आती है, तो ऐसा बेल मेटल जिसको हिंदी में कांसा बोलते हैं। जिस शॉप में हम खड़े हैं यहाँ पे काफी सारे यूटेंसिल हैं। अभी यहाँ से चलते हैं गुवाहाटी, रास्ते में कुछ खाएंगे और आज के दिन की जर्नी एंड करेंगे। हाईवे में हम देखते हुए चल रहे थे कहाँ रुकेंगे और क्या खाएंगे, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस शॉप में। इस एरिया को बोलते हैं पाइकुर कुची चौक, हाँ मैंने ठीक प्रोनाउंस किया। अंदर चल के फाइंड आउट करते हैं। अंदर आने के बाद मैंने फाइंड आउट किया यहाँ की चाय बहुत फेमस है और गोजा फेमस है। अपने सामने आप देखिए, जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं एक गोजा है, जिसके अंदर मैदा इस्तेमाल किया गया है, मैदा। साथ में आप कलाकंद देख रहे हैं जिसके अंदर गुड़ इस्तेमाल किया गया है, और इसको बोलते हैं यहाँ पे निमकी। आमतौर पे पहले लोग नमकीन खाते हैं फिर खाते हैं मीठा, लेकिन मैं पहले मीठा खाऊंगा और ये चीज़ गोजा। देखने में इस तरह की मिठाई मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, जिसका शेप और रंग इस प्रकार का हो, सॉफ्ट है। बाहर से मुझको लगा हार्ड रहेगा, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ये कहना गलत होगा कि इसका टेस्ट बालूशाही जैसा है, लेकिन कुछ कुछ उससे मिलता है। इसमें ना दो तरह के टेस्ट आते हैं जो मैं समझाऊं। बाहर से ये जो हार्डनेस है ये अलग टेस्ट देती है, और अंदर से जो सॉफ्टनेस है वो अलग टेस्ट दे रही है। मीठा बहुत कम है, तो आमतौर पे मिठाई से जैसे हमको लगता है ना बहुत मीठा हो जाएगा, वैसी फीलिंग नहीं है। वेरी टेस्टी और समथिंग वेरी डिफरेंट। ओहो कितना सॉफ्ट है, कलाकंद तो मैं उठा भी नहीं पा रहा। ना जाने कितने साल के बाद मैंने आज कलाकंद खाया, और गुड़ से बना हुआ तो पहली बार। समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, नमकीन, निमकी। ये जो आप सामने देख रहे हैं फोकस में, ये है काला जीरा। एक बाइट इसका, एक बाइट इसका, रॉकिंग कॉम्बिनेशन है।
ये देखो आप, ट्रायंगल सी इरेगुलर शेप, इसकी ना मेरे को महक बहुत पसंद है। अब सासा चाय पी ली जाए। मिल्क भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इस चाय के अंदर। गुड। सवा दस बजे हम गैम्स डेली के इसी रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट क्लोज होने वाला था, हमने अपने लिए दो डिश मंगाया। मेरे साथ हमारी गाड़ी का ड्राइवर है नमन। बड़ी फेमस राइस वैरायटी है यहाँ पर जो अभी हम खा रहे हैं, जोहा राइस। साथ में आप देख रहे हैं एरी फिश, जिसको बनाने के लिए ओ टेंगा का इस्तेमाल किया गया है, एलिफेंट एप्पल। ये देखिए, अब इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं साइड से, इसको बॉयल किया जाता है और इस तरह से फिश तैयार की जाती है। एरी फिश को फ्राई करके इसके अंदर डाला गया। पहली बार मेरी जिंदगी में तिल बेस्ड एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसके अंदर चिकन है। अगर किसी को ना पता हो ना, तो इस चिकन प्रिपरेशन के टेक्सचर को देखकर आदमी कंफ्यूज भी हो जाए, ये चीज है क्या। अरे लो ना, आप लो लो लो, आराम से लो। तिल चिकन से स्टार्ट करेंगे। तिल के लड्डू तो मैंने बहुत खाए हैं, बहुत मतलब काफी बार खाए हैं, लेकिन इस तरह से तिल की प्रिपरेशन ना, वाकई अनइमेजिनेबल टेस्ट। आपकी नॉलेज के लिए, तिल के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आप गूगल करिए, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तिल चिकन डाल रहा था ना, तो मैं सोच रहा था इसका टेस्ट कैसा आएगा, लेकिन मेरे को बहुत पसंद आया। अरे लिया नहीं आपने, लो। अच्छा पहले वो खाओगे। सुपर्ब टेस्ट हो गया ओ टेंगा एरी फिश जो बनी है जोहा राइस के साथ। मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा पोर्शन लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेड फॉर रीच अदर है। जोहा राइस जैसे से मैं खा रहा हूं, और ऐसा लग रहा है मुझको कि लाइट ऑन स्टमक ऑल्सो, मतलब अगर अपन पेट भर के भी खा लेंगे तो हैवीनेस बिल्कुल नहीं है। ओटेंगा की हल्की हल्की खटास राइस के साथ मिलके बहुत बेहतरीन टेस्ट। आप अगर असम आएंगे तो ये कॉम्बिनेशन मिस मत करिएगा। कुल मिला के डिश तो मैंने तीनों इंजॉय करी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन रॉक करता है वो है एरी फिश कुक्ड इन ओटेंगा, साथ में जोहा राइस। और जोहा राइस को आने वाले कुछ दिनों में मैं और डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा, मुझे राइस बड़ा कमाल का लगा। ये बेल मेटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमुख हमारे साथ हैं। कल हम शाम को इनसे मुलाकात करके गए, तो इन्होंने कहा था कि आप कल आइएगा, हम पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में दिखाएंगे। अब इन्होंने फाइंड आउट किया है इस मोमेंट पे कोई भी यूनिट नहीं चल रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ है, उसके बाद 15 दिन के लिए सारी यूनिट्स क्लोज हैं। अब हमें ये एक जगह लेके चल रहे हैं दिखाने के लिए, वॉट एवर पॉसिबल। तो चले सर, चले। हम अभी जिस यूनिट में आए हैं, यहाँ पर 6 कारीगर काम करते हैं। हमारे साथ साहब जो हैं ये काम कर रहे हैं इसका। तो अभी यूनिट इस समय बंद है, लेकिन हमें ये दिखाएंगे कि बेल मेटल से यूटेंसिल कैसे तैयार होता है। तो इन सर से तो आपकी मुलाकात अभी हुई, तो सर आपको जैसे हिंदी नहीं आता, नो प्रॉब्लम, तो आप थोड़ा थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिएगा, बाकी इनके थ्रू हम समझ जाएंगे। ये बेल मेटल, ये माइनिंग होकर के हमारे पास आता है बांग्लादेश, अफगानिस्तान,
इंडिया का जितना स्टेट है उस स्टेट से आता है, नॉर्थ ईस्ट में जितना स्टेट है उस स्टेट में आता है। इसमें हम बर्तन बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है। अच्छा, तो सर इसमें कॉपर और टिन रहता है? कॉपर और टिन 78% कॉपर और 22% टिन। ग्रेट। और सर किसी घर में पुराने यूटेंसिल? हाँ, पुराने यूटेंसिल वो भी हमारे पास आ जाता है। जैसे ये है आपको नॉर्थ ईस्ट में जितना स्टेट है उस स्टेट से ये आता है। अच्छा। और इसमें एक आया उसमें वो बांग्लादेश से आता है या अफगानिस्तान बांग्लादेश से आता है। सर अगर 78 और 22 की रेशो की जगह रेशो को बदल दिया जाए 5% ऊपर 5% नीचे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, मशीन में होगा लेकिन हैंडमेड से नहीं होगा। अभी यहाँ पर क्योंकि काम नहीं हो पा रहा लेकिन फिर भी थोड़ा वहाँ पे डार्क है तो अच्छे से हम देख नहीं पा रहे, थोड़ा लाइट यूज करके आपको दिखाते हैं कैसे काम होता है। सर ये बेल मेटल है, ये बेल मेटल लेकर के इसमें मुही में ढलेगा। मुही मतलब ये असमिया भाषा में इसको मुही बोलता है हम आर्टिसन लोग। तो इसको लेकर के फिर इसमें हीट करेगा, हीट करके करेगा, हीट करके हम ये डाइस में डालेगा। डाइस से ऐसी शेप आई अभी हमने देखा। इसके बाद ये सर हमारे को एक डेमोंस्ट्रेशन देके बताएंगे कैसे 5 कारीगर एक साथ बैठ जाते हैं और हथौड़ा मार मार के इसको पतले करके एक प्लेट बना देते हैं। ये जो काम है हाथ से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है। जब तक यूटेंसिल या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार ना हो जाए मेटल गर्म रहता है, अगर ठंडा हो जाए तो उसको रीहीट करते हैं और उसको हथौड़े से पीट पीट के उसको शेप दी जाती है। अभी हमको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाएंगे प्लेट पे जब आयरन को रब करते हैं तो उसका रंग कैसे चेंज होता है। पूरा प्रोसेस समझ लेने के बाद इन्होंने हमारे लिए चाय तैयार करवाई है, धन्यवाद। अब देखिए चाय को इन्होंने जो सर्व किया जिस ट्रे में, ये बेल मेटल का ही डिज़ाइन है। इस तरह के डिज़ाइन की प्लेट अगर किसी को बेल मेटल में लेनी हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़, तो 1500 रुपया पर केजी इसका प्राइस है इस मेटल का। मेटल का सर इसमें क्या हम खाना बना सकते हैं, जैसे अगर हमें चावल बॉयल करने हैं, चाय बनानी है? नहीं, खाना बनाने नहीं सकता है, आपको चाय भी बनाने नहीं सकता, इसलिए खाने के लिए यूज करता है। कुछ सर चीज़ें खट्टी होती हैं जैसे नींबू दही, तो उसको कैसे? नहीं, दही और नींबू लेमन इसको लेकर के खा सकते हैं लेकिन तुरंत खाने पड़ेगा, तुरंत खाने पड़ेगा, देर हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, टेस्ट नहीं लगेगा। इसमें हम दही जमा नहीं सकते? जमा नहीं सकता है। खट्टा चीज़ के अलावा कोई भी और आइटम होता है जो हमको इसमें ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए? नहीं नहीं, दूसरा खट्टा चीज़ें, खाली खट्टा चीज़ें। सर जैसे हमको ब्रास में कलई करवाना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, तो इसमें कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है? नहीं, इसमें लेमन से खाने के बाद लेमन से साफ कर देने से पूरा ग्लेजिंग आ जाएगा। ओ, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल मेटल के यूटेंसिल पे अगर आप खाना खाएंगे तो इसमें बहुत हेल्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप गूगल पे करिए, नेट पे सर्च करिए, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ आके मैंने फाइंड आउट किया इस मेटल से बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ग्रेट सर, एक चीज बताइए, अब आप तो इस लाइन से हैं, एक आम कस्टमर कैसे समझे कि ये प्योर बेल मेटल है या मिक्सिंग है? ये समझ से आपको ऐसे कर देगा तो जितना साउंड निकल रहा है ना, तो हम उस समझ गया ये अच्छा है। टोंग टोंग जितना दारा था साउंड रुकेगा ना तब अच्छा है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्कूल का बेल भी बेल मेटल से तैयार करता है। एक बार करके देखे सर, देखिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसे धरने पड़ेगा। अच्छा, इसमें नहीं, ठीक है, यहाँ मारे। हाँ, यहाँ मारे। इसमें मारे। इसके अलावा सर कोई और तरीका भी होता है पहचानने का? ना, तो बेल मेटल तो तुरकर और एक बात है, जो हमारे मार देने से टूट जाएगा, टूट जाने से अच्छा होगा। अगर ब्रास होगा तो टूट जाएगा नहीं, अगर ये टूट जाएगा तो बेल मेटल प्योर है। ये भी तरीका है? ये भी तरीका है। बाकी ये है कि थोड़ा इसमें कुछ टाइम हम लोग यूज करेंगे अपने घरों में तो हमें इसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा। आएगा।
सर सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और आपको भी। हॉस्पिटैलिटी देखिए वाकई तारीफ ही करूंगा मैं तो, कि हम इनके पास समझने आए थे और उन्होंने चाय हमें बनवा के पिलाई और इतना डिटेल में समझाया, बहुत अच्छा लगा। नहीं बहुत अच्छा लगा, आप मालूम नहीं मेरी बात को कितना समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी हम इनके साथ जाएंगे बाहर स्टोर में अलग अलग डिज़ाइन देखने के लिए, यूटेंसिल्स के भी देखेंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी देखेंगे। ठीक है जी। क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ सर आपको लगता है जो हमने मिस कर दी? नहीं सही, ठीक है, मिस नहीं गया। तो आपने हमें सबको समझा, सबको समझा दिया, खाली वो प्रोसेस छूट गया, प्रोसेस छूट गया, हमको दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर है साठेबाड़ी, तो अगर आप समय निकाल के आएंगे तो सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। आर्टिशन के हम घर से चले, बरसात हो गई, गाड़ी में हम यहाँ कोऑपरेटिव के ऑफिस आए हैं डिज़ाइन देखने के लिए। तो सर आप हमें कुछ दिखाइए डिज़ाइन। अर्धा डिजाइन तो देखो, ये है पान बाटा, इसमें मेहमान लोग को आपको सम्मान करता है। अब पान तामुल असम का कोई आदमी का घर में जाएगा तो इसको पान बाटा में आपको सम्मान देगा। अच्छा। ये पर के जी अपना 1800 पर के जी। असम में किसी का घर में आप जाएगा तो इसमें ऐसा बर्तन में आपको चाय पीने के देगा। हाँ, ये ज़्यादा गर्म होता है लेकिन एक बार खाने से बस कोई बात दिक्कत नहीं है, आपको खा सकता है आप। ये स्कूल बेल है, मतलब कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और अगर फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और छुट्टी हो जाएगा तो छुट्टी होगी, अभी आप घर जाओ। वेरी गुड। अभी रास्ते में आते समय मैं इनसे चर्चा कर रहा था, अगर बहुत सिंपल डिज़ाइन हो बेल मेटल पे तो मिनिमम होता है 1050 पर केजी, बाकी डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे इन्होंने दिखाया ये 1800 रुपीज़ है क्योंकि इसका पर केजी, क्योंकि इसका डिज़ाइन अच्छा है। सर धन्यवाद, आपने हमारे को टाइम दिया और पूरे प्रोसेस को समझाया। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप टाइम निकाल के आते हैं तो आप भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे किसी आर्टिशन के घर लेके जाकर पूरे प्रोसेस को देखने में आप हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि एक लर्निंग भी होगी, प्लस आप यूटेंसिल अगर अपने घर के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं या प्राइवेट बार मार्केट में ले सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, धन्यवाद। और अभी बारिश बहुत तेज आ रही है, अभी शाम के 7 बज चुके हैं। आपको मैंने बताया था कि हम इस समय लोअर असम में हैं, हमको 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करके मिडल एरिया में जाना है, मिडल असम विच इज़ गुवाहाटी। तो 10-5 मिनट रुकते हैं, बारिश तो नहीं रुकेगी लेकिन 10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अगले एपिसोड में आप देखेंगे जब हम गुवाहाटी से तेजपुर के लिए चले, रास्ते में हमने दही खाया जो कि बैम्बू में जमाया गया था, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट। फाइनली हमने डिनर किया तेजपुर पहुंचकर सिंगफो ट्राइब का फूड। हमेशा के लिए यादगार रहेगा मेरे लिए ये सफर। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग जर्नी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।